फ्रेंड्स, मैं हूं ओहम और आप सभी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओहम बजिस फिंचेस एंड लव बर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है वो है बर्ड्स का ठंड लगना वगैरह, वो जो प्रॉब्लम होता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उनके उसके बारे में। तो फिर ये तो मेरा कॉकटेल है। कॉकटेल तो सबसे हार्डी बर्ड होता है, इनको ठंड भी नहीं लगता, लूज मोशन बहुत ही कम होता है, इनका होता ही नहीं, क्योंकि बहुत ही हार्डी बर्ड्स है, एक खुशी की कहीं भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेता है, इसीलिए मेरा फेवरेट बर्ड्स है कॉकटेल्स। और ये तो फिलहाल बच्चे है, 5 बच्चे हैं और ये एडल्ट पेयर है। और कल हमारे यहाँ तो 2 दिनों से पूरा बारिश हो रहा था, इसीलिए अचानक गर्मी से ठंडी पड़ जाने के वजह से सब बर्ड्स को जो है ठंड लग गया है। देख सकते हैं सब आपका सब शरीर फुला के बैठा है, ये देखिए सब कुछ एकदम चुपचाप बैठा है क्योंकि ठंड लग गया। मैंने पर्दा गिरा दिया था लेकिन फिर भी जो है एक पर्दा हवा के कारण उड़ गया और वहां से बारिश का जो पानी अंदर आया और कुछ बर्ड्स को ठंड लग गया। देखिए सब बर्ड्स है, कुछ तो फिलहाल ठीक हो गया है लेकिन कुछ जो है उनका कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गया है। जैसे कि ये वाला जो बर्ड है उसका कंडीशन बहुत ही सीरियस है, लेकिन मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। ये लाल लैंप भी मैंने जला दिया गर्मी की वजह से, लेकिन फिंच का कुछ नहीं हुआ क्योंकि फिंच को जो है मैं पूरा ढक दिया था, फिंचेस का कुछ नहीं हुआ। फिंचेस तो एकदम मस्त है, एकदम देख सकते हैं आप, इसका तो बच्चा भी आया अंदर बॉक्स के अंदर है। एकदम छोटा बच्चा है और इसका तो 3 बच्चा हुआ था, ये बाहर निकल गया, तीनों ही वो पीछे बैठा है, 3 बच्चा तीनों ही फोन में आया है। और स्पेयर का तो पिछली बार जो बच्चा हुआ था सब चीटी खा गया था, ये फिर से अंडा दिया है, अंदर अंडा है, ये फीमेल है, मेल नीचे बैठा है, नेस्टिंग कर रहा है फिर से। और स्पेयर का तो बच्चा आया, बहुत ही अच्छा कलर है बच्चे का, वाइट कलर है, आपको दिखाऊंगा मैं एक बार, ये देखिए वाइट कलर में आया बच्चा, बड़ा हो गया है, 2-3 दिन में ही बाहर निकल जाएगा। इसको लॉक कर दूं। और नीचे का जो पेयर है इसका भी बच्चा आया, मैंने देखा नहीं कितना बच्चा आया, एक बार देख लेते हैं, आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। इसका तो बहुत सारा बच्चा आया, 3 या 4 बच्चा है शायद, हाँ। ये भी मेरा वाइट के साथ फोन का पेयर है और यह तो एक वाइट के साथ ब्लैक का है, ये भी अंडा दे दिया और यह भी अंडा दे दिया, अंडे पर बैठा है। और ये मेरा एक नया वाला पेयर है, इसका भी प्रोग्रेस वगैरह कुछ आया कि नहीं चेक करते हैं। मेल अंदर बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा, निकल गया। नहीं अभी तक हैच नहीं हुआ, अंडा ही है। और ये भी मेरा एक नया पेयर है, इसका भी बच्चा आ गया, सभी को तो इसका मेल जो अंडा बैठा था उसका भी शायद 2 या 1 बच्चा है, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ऊपर है, शायद 2 बच्चा आया, नहीं एक ही लगता है। मैं तो इसीलिए बजीज जो है उसके ऊपर से पूरा एकदम हट जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फिंच और कॉकटेल में ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बजीज जो है उतना अर्निंग भी नहीं देता और खाना भी बहुत ज़्यादा खाता है, इसीलिए मैं बजीज को एकदम हटा दे रहा हूँ मेरे कॉलोनी से। मैं सिर्फ कॉकटेल और फिंचेस के ही ऊपर रहूँगा और जाभा कुछ पे जाभा भी रखूँगा,
देख सकते हैं एक व्हाइट का पेयर है। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है मेरे घर में, एक मिनट। ये देखिए वो व्हाइट है एक, वो एक व्हाइट का पेयर है और एक है आपका सिल्वर का पेयर। वो बहुत जल्दी ब्रीड कर देगा क्योंकि वो ब्रीडिंग एज में आ गया, लेकिन मैं सर्दी में बैठाऊंगा इनको ब्रीड में, अभी ब्रीड में नहीं बैठाऊंगा क्योंकि इनका एज भी ज्यादा नहीं है। और आज का वीडियो तो इसी के बारे में था। आप भी मुझको हेल्प करना, अगर कुछ आपको सॉल्यूशन पता हो कि ठंड जैसे कुछ ना लगे तो फिर मुझको भी बताना। मैं तो मेरा हर कोशिश कर रहा हूँ कि इनको ठंड ना लगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो फिर एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। तो फिर बाय बाय, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे फिर एक नया वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहना ओहम बजीज फिंचर्स और लव बर्ड्स का यूट्यूब चैनल।